शांति के यत्न में रहो। लुका 10 में यीशु मसीह अपने चेलों को उस नगर या गांव में सुसमाचार प्रचार करने भेजता है जहां वह जाना चाहता था। वह 70 चेलों को नियुक्त करके उन्हें वह जोड़ी से भेजता है। यहां हम कुछ खास निर्देश को देखते हैं जो यीशु उन्हें देता है कि जाते हुए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। यीशु मसीह हर एक को निर्धारित जगह पर भेजता है। वचन 5-7 कहता है, जिस किसी घर में जाओ सबसे पहले कहो, इस घर में शांति मिले। यदि वहां कोई शांतिपूर्ण व्यक्ति होगा तो तुम्हारी शांति उसे प्राप्त होगी, किंतु यदि वह व्यक्ति शांतिपूर्ण नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। जो कुछ वे लोग तुम्हें दे उसे खाते पीते उसी घर में ठहरो, क्योंकि मजदूरी पर मजदूर का हक है। घर घर मत फिरते रहो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताता है कि किस प्रकार के व्यक्ति से उन्हें मिलना है। वह जो शांतिपूर्ण व्यक्ति हो या ऐसा व्यक्ति जो शांति बनाए रखने की इच्छा करने वाला हो। वैसे ही मती 10:11 में यीशु कहता है, तुम लोग जब कभी किसी नगर या गांव में जाओ तो पता करो कि वहां विश्वास योग्य कौन है, फिर तब तक वहीं ठहरे रहो जब तक वहां से चल ना दो। मुख्य बात जो यहाँ है वह है कि यीशु मसीह उन्हें ढूंढता है जो शांति को समझता हो और उसे बनाए रखना चाहता हो, और जहां ऐसे लोग रहते हैं वहां परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। हमें यह समझना होगा कि यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है वह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो शांत स्वभाव के हो और शांति द्वारा उन्नति करना चाहते हो। शांति दो तरीकों से समझा जा सकता है। पहला, मन की शांति जो स्थिर और बिना विचलित हुए आपके मन की स्थिति हो, और दूसरा है मेल मिलाप जहां दो या अधिक व्यक्ति के रिश्ते में तनाव है और वे सुलह करते हैं या मेल मिलाप करते हैं, उसे शांति कहते हैं। इब्रानियों में शांति को शालोम कहा गया है, जिसका अर्थ यह भी है परिपूर्णता, स्वस्थ, सुरक्षित और सफल होना। इन वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर की यह शांति स्थानांतरण होती हुए जैसे एक व्यक्ति से दूसरे पर जाते हुए और साथ ही फल लाती हुई। यीशु मसीह यह भी कहता है कि अगर कोई तुम्हारी शांति को ग्रहण नहीं करता तो वह शांति फिर से तुम्हारे पास लौट आएगी। यीशु उन्हें चेताता है कि बड़बड़ाना नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं भटकना, पर परमेश्वर की शांति को कार्य करने देना। फिलिप्पियों 4:7 कहता है कि परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है वह हमें सुरक्षित रखती है। तो जाने कि परमेश्वर की शांति हमारे जीवन के लिए मूल्यवान है और हमें उसकी शांति को पाने और उसमें बढ़ने के लिए बनाया गया है। आज यीशु हमें योग्य व्यक्ति देखना पसंद करता है, जिसे लोग शांतिपूर्ण व्यक्ति या शांति बनाए रखने वाला व्यक्ति कहते हो। यीशु मसीह का गौरव होता है जब लोग हमारे विषय में ऐसा कहते हैं। कुछ वचन है जो हमें इस विषय में प्रोत्साहन देता है। भजन संहिता 34:14, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। 2 तिमोथियस 2:22, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। 1 पत्रस 3:11, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। 2 कुरिन्थियों 5:18, सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मती 5:9, धन्य है वे जो मेल मिलाप
मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम यीशु मसीह की तरह होते हैं जब हम यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर की शांति को ग्रहण करते हैं, जैसा इफिसियों 2:14 कहता है, वह स्वयं हमारी शांति है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में दोनों समूह को के बीच की दीवार को ढाकर दोनों को एक कर दिया। प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति के आचरण से आपको सजाए, ताकि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में आपकी बड़ी भूमिका हो। मेरी प्रार्थना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को हम समझे, ताकि हम इस दुनिया में शांति प्रिय लोग हो, जिससे लोग परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को जान सके और हमारे जरिए परमेश्वर की ओर आकर्षित हो। आमीन।